जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का सैनिकों के लिए जबरदस्त फैसला, आपको लगेगा कि इस फैसले की जरूरत थी और यह फैसला आवश्यकता। हाँ जी दोस्तों, बेटा हो या बेटी, बराबर का मिलना चाहिए हक। चाहे यदि बेटा शादी के बाद बेटा बना रहता है तो बेटी शादी के बाद बेटी क्यों नहीं, यदि बेटे को शादी के बाद भी हक मिलता है तो बेटी को हक क्यों नहीं, ऐसा भेदभाव क्यों। और ये हुआ है कर्नाटक के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सैनिक वेलफेयर बोर्ड की एक याचिका को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि जो लड़की शादीशुदा हो जाती है वो पूर्व सैनिक की डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम डिपेंडेंट कार्ड नहीं दे सकते, उसको हम आश्रित नहीं मान सकते। इस फैसले को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की जज की दो बेंचों की एक सिंगल बेंच ने जाकर के इसका निर्णय लिया। और ये मामला क्या है सिलसिलेवार हम समझते हैं दोस्तों। एक थे सूबेदार रमेश खड़प्पा साहब, जो कि अपराक्रम 2001 में शहादत हो गए थे। उनकी बेटी 10 साल की थी जब तक वो उनकी डिपेंडेंट रही। जैसे ही बेटी हुई 31 साल की, उसने स्टेट गवर्नमेंट में प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया, और जहां पर 10% रिजर्वेशन का कोटा है, होना चाहिए आप पूर्व सैनिक की बेटी। उसने बोला मैं पूर्व सैनिक की बेटी हूं और मुझे डिपेंडेंट कार्ड चाहिए। सैनिक वेलफेयर में गई, उन्होंने कहा आपको वेलफेयर नहीं मिलेगा डिपेंडेंट कार्ड, आप शादीशुदा हैं। और उन्होंने तब से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया। सरकार से जब पूछा कि किसी फौजी का बेटा पहले बेटा है, शादी कर लेता है तब भी बेटा रहता है, लेकिन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हो, और उन्होंने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए कि ऐसा भेदभाव नहीं होगा, ये जब तक जीवन है तब तक ये फौजी की बेटी है और इसकी आश्रित आपको डिपेंडेंट कार्ड देना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि इस नियम में बदलाव करिए, आप एक्स सर्विस मैन नहीं, अब बहुत सारी लड़कियां भी आ रही हैं तो एक्स सर्विस मैन और एक्स सर्विस वोमैन का नहीं होगा, इसको एक न्यूट्रल जेंडर का नॉमिनिक्लेचर आप तय करिए, ये नाम बिल्कुल बंद होगा, ये नाम नहीं दिखाई देना चाहिए न कागजों को होगा, आप ये भेदभाव और पुरुषों की मानसिकता वाला सिस्टम है इसको बदलिए। अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जब जब की जरूरत थी, लेकिन आज देश में बेटा बेटी को बराबर हक देने के लिए इस कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जिनको पेंशन से वंचित हो जाती हैं और पूर्व सैनिक की हैं, लेकिन उनके वेलफेयर, उनकी फैसिलिटी, उनके काम के पैसे से वंचित इसलिए कर दी जाती है कि वो सिर्फ बेटी है और बेटी होने के बाद उन्होंने शादी कर ली। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आप इसके ऊपर कमेंट्स करिए। धन्यवाद।